बाइकिया पार्टनर ऐप में सवारी की बुकिंग कैसे लेते हैं? जब आप बाइकिया पार्टनर ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो हमारी होम स्क्रीन आपको इस तरह से नजर आएगी। ऊपर देखें, हरे रंग का एक एक्टिव का बटन है। ये बटन जब आप दबाते हैं तो आप एक्टिव या इनएक्टिव हो सकते हैं। जब आपके पास सवारी की बुकिंग आएगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे इसको एक्सेप्ट करने के लिए। वीडियो में जैसा कि दिखाया जा रहा है, बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन पर आपको कुछ तफसीलात नजर आएंगी, जिसमें बुकिंग नंबर, कस्टमर का नाम, फोन और मैसेज करने का बटन वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। इन दोनों बटन्स के जरिए आप कस्टमर से बआसानी राब्ता कायम कर सकते हैं। कस्टमर के वॉलेट में मौजूद रकम भी आपको नजर आ रही है। यहां पर आप मैसेज के बटन का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर को एक मैसेज भेजेंगे, जो कि वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में हो सकता है, जिसमें कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर, मैं आपकी जानिब रवाना हो रहा हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर आपको रास्तों का इल्म नहीं है तो आप गूगल मैप का सहारा लेकर कस्टमर की जानिब जा सकते हैं। जब आप गूगल का बटन दबाएंगे तो गूगल मैप्स आपके फोन पे आपकी हेल्प करेगा और आपको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सबसे आसान तरीन और कम वक्त में पहुंचने वाला रास्ता बताएगा। जब आप कस्टमर के पास पहुंच जाएं, तो आपने पहुंच गए का बटन दबाना है, यानी अराइव्ड। जब आप अराइव्ड हो जाएंगे तो कस्टमर से आप राब्ता कायम करेंगे और कहेंगे, सर मैं आपकी बताई हुई जगह पे आ गया हूं, प्लीज आ जाएं ताकि मैं आपके बताए हुए डेस्टिनेशन पर आपको ले जा सकूं। कस्टमर आएंगे और आकर आपके साथ बैठेंगे और जैसे ही कस्टमर आपके साथ बैठेंगे, आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। जब आप अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे, दोबारा से हमारी ऐप आपको रास्ता बताएगी कि आपको किस रास्ते से जाना है, और अगर आपको फिर भी मजीद मदद की जरूरत हो तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। डेस्टिनेशन यानी मंजिल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुकिंग मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आपको इनवॉइस स्क्रीन नजर आएगी। इस इनवॉइस की स्क्रीन पर कुछ तफसीलात हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यह आपकी राइड की शुरुआत से अख्तिताम तक की मुकम्मल तफसीलात बताता है, यानी कि पिकअप और डेस्टिनेशन या ड्रॉप ऑफ। इसके अलावा यह आपको यह भी बता रही है कि किराए की कमाई क्या है। 8 किलोमीटर और 22 मिनट आपने बाइक चलाई है तो उसके टोटल 100 रुपए बनते हैं, फी किलोमीटर और मिनट के रेट के हिसाब से। कस्टमर के वॉलेट में 7 रुपए थे तो नकद रकम जो आपने वसूल करनी है वो 93 रुपए है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अगर कस्टमर आपको किराए से ज्यादा रकम देते हैं और कहते हैं कि मेरे वॉलेट में टॉपअप कर दें, तो जितने पैसे आपने कस्टमर से वसूल किए हैं, मुकम्मल वसूल करदा रकम आप ऐप में डालेंगे। आए आपको यहां बाइकिया के वॉलेट के हवाले से कुछ तफसीलात बताते हैं। हर बुकिंग पर वॉलेट में आपको 2 एंट्रीज दिखाई देती हैं, एक अर्निंग की होती है जबकि दूसरी टॉपअप की होती है। अर्निंग से मुराद कमाई और टॉपअप से मुराद रकम की वसूली। सबसे पहली एंट्री देखें, आपकी अर्निंग 100 रुपए हुई है और बाइकिया का 10% कमीशन हटाकर आपका 90% हिस्सा यानी 90 रुपए आपके वॉलेट में ट्रांसफर हुए हैं। वसूली आपने 100 रुपए की है, यानी जितना आपका बिल बना था उतना ही आपने कस्टमर से वसूली की है। बाइकिया का 10% कमीशन हिसाब में लेकर आपका बैलेंस -10 रुपए हो जाता है। आपने 150 रुपए की कमाई की है और 90% के हिसाब से 135 रुपए आपके वॉलेट में ट्रांसफर हुए हैं। कस्टमर के वॉलेट में 50 रुपए मौजूद थे, इसलिए कस्टमर ने आपको सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। आपका पिछला वॉलेट बैलेंस 125 रुपए था, जिसमें से इस बुकिंग पर आपने 100 रुपए कस्टमर से वसूल किए, तो आपका नया बैलेंस 25 रुपए बन गया। और उससे ऊपर वाली एंट्री में कस्टमर का बिल 100 रुपए बना और उसके वॉलेट में पूरे पैसे थे, तो आपके पास 90 रुपए ट्रांसफर होकर आपके वॉलेट बैलेंस में इजाफा करके आपका बैलेंस 115 रुपए शो हो रहा है। यह बैलेंस एक बैंक अकाउंट की तरह है और यह रकम हर 2 हफ्ते बाद बाइकिया आपको UBL ओमनी के जरिए फराम करता है और इस तरह आपके वॉलेट का बैलेंस 0 कर दिया जाता है। आपकी आसानी के लिए बाइकिया ऐप में ट्रेनिंग की वीडियोज मौजूद हैं, जो कि आप बाइकिया में अंदराज के बाद देखकर मदद हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। नीचे ऐप में अपने शहर और अपने फोन नंबर की तस्दीक करें। अल्लाह आपके काम में बरकत लाए। अल्लाह हाफ़िज़।